आपका स्वागत है, मैं सुनाली। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। दुष्कर्म मामले में 5 दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर सिविल कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने सुल्तानगंज क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में 5 दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रूपए जुर्माना भी लगाए। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह के अतिरिक्त सजा भुगतने होंगे। अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र महेशी गांव के देहरी बैयार में एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर 2006 में मारपीट की घटना को अंजाम दी गई थी, जिससे लड़की की मौत हो गई थी। उक्त मामले में सुरेंद्र यादव, मदन यादव, श्रवण यादव, चांसी यादव, अमरजीत यादव सभी 5 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रथम एडीजी द्वारा आजीवन कारावास और 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। उसको गिरा के मारा गया, जिसके चलते उसके माथा में पूरा चोट लगा हुआ था। बेहोशी हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 19/11 की घटना थी और 22/11 को उसकी मृत्यु हो गई। तो रेप विथ मर्डर का इसमें आरोप लगा उन लोगों पर, और इसके में अभियोजन की ओर से जो है 9 गवाही दिया गया, और 9 गवाही ने समर्थन किया उसको। समर्थन करने के बाद जो है 23 तारीख को इन 5 लोगों को, जो सुरेंद्र यादव हैं, श्रवण यादव हैं, मदन यादव हैं, चांसी यादव हैं और अमरजीत हैं, इन 5 को जो है 23/12 को दोषी पाया गया। और आज जो है न्यायालय ने सेंटेंस की बिंदु पर सुनवाई की, और सुनवाई के बाद उन 5 आदमी को 376 2 और 2G में, जो कि गैंग रेप की बात कही जाती है, उसके तहत जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये जुर्माना उनको लगाया गया। और अगर जुर्माना वो नहीं देते हैं तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई। घटना किस तरह, और उसके बाद जो है धारा 302 के तहत जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और उसमें 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अगर जुर्माना वो नहीं देते हैं तो उसमें भी 3 महीना की सजा अलग से उनको होगी, और दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। घटना 19/11/06 की है और आज फैसला हुआ है। नाम, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी हुआ। मैं इस मामले में संचालन करने वाले अपर लोक अभियोजक थे, और जो कोर्ट जिसने फैसला दिया वो विनोद कुमार तिवारी, जो एडीजे वन यहाँ है, उनके द्वारा फैसला दिया। खबरों में बने रहने के लिए डेली मिरर को सब्सक्राइब करें एवं हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।